ये देखो बिल्कुल इशारे में हल्का सा, देख रहे हो ना ये ऐसे गियर लगते ना। राम राम जी। कई बार हम गाड़ी का क्लच सेट चेंज करते हैं तो हमें डाउट होता है कि यार फ्लाईव्हील हम कब फेस को कराएं, ये फ्लाईव्हील है इसकी फेसिंग कब कराएं। अब चूंकि मैं कर रहा हूँ क्लच चेंज, देख सकते हैं यहाँ इसकी ग्रिप हो गई है ख़त्म, ठीक है। तभी मैं इसको कर रहा हूँ रिजेक्ट दोनों को, क्लच सेट को ये दिखा लो, ये पूरा कट भी गया, पूरा ख़त्म है खेल। तो अभी हम जब रिप्लेस इसको करेंगे तो हम कैसे जानेंगे कि फ्लाईव्हील हमें फेस कराना चाहिए कि नहीं, मेन चीज़ है फ्लाईव्हील फेस का। तो हमने क्लच सेट लिया है जेन्युइन क्लच सेट, देख सकते हैं ओरिजिनल हुंडई का डाल रहा हूँ मैं, ये हुंडई है और पता नहीं कौन सा हुंडई है, हटाओ पर वह है ओरिजिनल, ये भी हुंडई का है दोस्तों। अब मैं सेट डालने से पहले इधर दिखाओ जरा, पास में लेके आओ, ये मेन फेस है जो उसका है प्रेशर प्लेट का, ये फेस बिल्कुल एक्यूरेट है, क्लच रखा यानी इसका कांटेक्ट में आ रहा है फेस इधर वाले का, ठीक है। एक तरफ तो कांटेक्ट में आ गया, दूसरा जो कांटेक्ट है वो कहाँ जाएगा, फ्लाईव्हील पे, तो इसका भी फेस होना बहुत ज़रूरी है जैसे ये फेस हो रहा है, एक नंबर का। अब यहाँ मेन डिसीजन लेना है आपने कि हमने क्या सही करना है, क्या गलत करवाना चाहिए कि नहीं। पास में करो और ये दिखाओ जरा क्रैक कहाँ से, कहाँ से क्रैक है ये दिखाओ, ये दिखाओ क्लियर करते जाना बिल्कुल ही, ये देख सकते हैं ना एक क्रैक, तो ये क्रैक जो है ये काम नहीं करेगा, ये बहुत बड़ी क्रैक है, ये क्रैक की वजह से क्लच गियर हार्ड डलने लगेंगे और जिसकी वजह से गियर स्लिप होने के चांसेज हैं या फिर गियर ही प्रॉपर डलेंगे नहीं। तो अब इसका इलाज क्या है, इधर दिखाओ, दिखा लो पूरा एक क्रेक दिखा देना बस, कि क्रेक पब्लिक को दिख जाए, थोड़ा सा कैमरे का एंगल चेंज करके दिखे, दिख रहा। तो ये हार्डनेस आ गया, थोड़ा सा ऊपर करो हल्का सा, देखो इसमें कलर भी चेंज हो गया, कहीं नीला हो रहा है, कहीं लाल हो रहा है, कहीं वाइट हो रहा है, नहीं एक हार्डनेस आ गया। अब इस कंडीशन में लगाते हैं तो गियर टाइट होगा या फिर गियर ही नहीं डलेगा या फिर क्लच काम नहीं करेगा या क्लच स्लिप करेगा। तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि या तो इस फ्लाईव्हील को चेंज करो या फिर इसको थोड़ा सा खरादिए से कट लगवाओ। तो हम खरादिए से कट लगवाएंगे और उसके बाद से इसको लगा के देखते हैं। बाकी इधर काफ़ी आइटमें जेन्युइन डल रही हैं, जैसे देखो स्टीयरिंग को दिखाओ, ओरिजिनल हुंडई की, अरे चिमटा दो जरा, पता पड़ना चाहिए, ये दिखाओ ओरिजिनल हुंडई की, ये देखो ठीक है, ये अपना क्लच सेट ओरिजिनल ही सारे आइटम डाल रहा हूँ, पैसे तो काफ़ी रेंज के लग रहे हैं इसमें, कोई नहीं पर डाल रहा हूँ। इसको लेके जाओ कट लगवा के लेके आओ भाई, भाई हल्के में मत लेना, स्टीयरिंग देख लो जेन्युइन है ओरिजिनल हुंडई की, ये देखो देख रहे हो ना ओरिजिनल हुंडई की स्टीयरिंग पूरी कंप्लीट, अरे हुंडई का स्टीकर भी है देख रहे हो, ये इधर दिखाओ, हल्के में मत लेना भाई, कस्टमर नहीं है फिर भी माल सारे जेन्युइन ही डाल रहा हूँ, एक नंबर का ओरिजिनल, मजा ना आया तो फिर कह देना गाड़ी के अंदर, जंपिंग रोड चेंज कर दिए जी। अब क्लच गया हुआ है फेस के लिए, इसका फेस होके आ जाएगा और मजा काट देगा गाड़ी, ठीक है वो बात भी ये जरूरी है, ये यदि नहीं करवाते तो फिर एयर टाइट होना था, अभी करवा के लेके आएगा तो लगाएंगे हम। तो अभी हमने देख सकते हैं फेस करा दिया, रफ करा दिया, लगाओ क्लच सेट लगाओ, ये इसलिए दिखा रहा था ताकि आपको दिख जाए कि कैसा है, लगा दो क्लच सेट लगा दो, थोड़ा सा हल्का सा पॉलिश कराया बस जरा सा। तो अभी इंजन का तो हमने गियर का तो काम कर लिया फाइनल, अब आ जाओ गियर चेक करते हैं, क्योंकि जो हमने फेस कराई थी ना वो जरूरी था फेस करना। अहे बिल्कुल सेट मामला, ब्रेक ओके, कलर्स देखते हैं क्या कहानी, मलाई हो गया नया कलर डाला ना, तो ये देखो ना पाँव रखते दबाने की जरूरत ना यार, बिल्कुल पाँव रखते हैं, इतना पाँव का ही वजन भारी है, ये उंगली से कर दे, ये चेक कराओ, आए हाय ए अरे तेरी यार क्या हो रहा है यार, आए हाय अरे तेरी यार आज तो मलाई हो गया, ये जोर ना लगा रहा हूँ मैं भाई, कैसे बताऊँ यार यार बिल्कुल ही आए हाय, देख रहे हो ना बिल्कुल इशारे में ये
ये देखो बिल्कुल इशारे में हल्का सा, देख रहे हो ना, ये ऐसे गियर लगते ना, बड़ी मुश्किल से गियर लग रहा है, ऐसे ऐसे गियर लगता नहीं है। बैक करके देखता हूँ, बैक चला के देखता हूँ थोड़ा सा, बिल्कुल स्मूथ है भाई। गाड़ी वाली तो नहीं है पीछे, पीट है इंजन के लिए, इंजन करेंगे। ओह स्मूथनेस, बैक भी लग रहा बढ़िया। और इधर दिखा दो, ये छूट कहाँ रहा है? ओहो हो, बिल्कुल सही जगह छूट रहा है। ये देखो इधर देखो, आय हाय, आय रे तेरी यार, इतना तो मतलब मजा ही नहीं आता है क्लच में यार। क्लच करा देते हैं तो एक तो हार्ड ही रहता है पैडल, पर भाई जो सेटिंग बताई है ना, एक बार फ्लाईव्हील को सही से हल्की सी पॉलिश, ज़्यादा नहीं, देखो साइड में किनारी पे हल्का हल्का दाग भी है अभी, हल्का सा पॉलिश जो करा दी है ना, तो गाड़ी में मजा गाड़ देती है। और कोई सीक्रेट नहीं है, यही छोटा मोटा सीक्रेट है, बाकी माल डालो जेन्युइन, और एक बार सही से माल डाल लिए ना, गाड़ी करती है रिस्पॉन्स एक नंबर का। और माल में जहाँ होती है कोताही, जहाँ आप सोचते हैं पैसे बचाना है, तो गाड़ी रिस्पॉन्स नहीं देती। हम सही फिटी तो कर सकते हैं ना, पर मेन परफॉर्मेंस कौन देता है? माल। और माल गड़बड़ रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए छोटा सा इन्फॉर्मेशन था कि क्लच करते समय कई बार गियर हार्ड का प्रॉब्लम, गियर ना लगने का प्रॉब्लम, अटकने का प्रॉब्लम जो होती है, तो आप फ्लाईव्हील को चेक कीजिए, मेन फ्लाईव्हील है, क्लच ओरिजिनल डाल दिए, फ्लाईव्हील को नहीं ध्यान देंगे, गियर अटकने का चांसेस हो। भाई गाड़ी तो चला के सर आ गए हैं, ये सर हैं, इनकी गाड़ी थी i10, और जो क्लच हमने किया ना तो वो इनकी गाड़ी का था, स्टेयरिंग भी डाले हमने, चिमटे भी डाले। तो कैसा लगा आप गाड़ी चलाए? अरे क्या बताएं, हम कुछ बता नहीं सकते, बस इतना मजा आया कि क्या, बिल्कुल नई जैसी, बिल्कुल मतलब सारा आवाज तो बंद हो गई, टोटल आवाज तो टोटल बंद हो गई, और जो आगे सस्पेंशन गड्ढे थे मैंने खुद ज्यादा जान मुझके की आवाज, कहीं कुछ आवाज नहीं, इतना बढ़िया सस्पेंशन की क्या बताएं, मजा आ गया। चलो मजा आने, अरे बहुत मजा आ, मैं बिल्कुल खुश है कि मतलब गाड़ी एक नंबर हो। और इनकी गाड़ी में शायद इनको नहीं वीडियो दिखाया मैंने, ये तो चले गए थे भी नहीं, आप गाड़ी के पास तो नहीं थे ना, हमने काम किया सब, दो दिन से हमने छोड़ रखी गाड़ी यहीं, सब ओरिजिनल सामान डाला, मैं वीडियो में भी कह रहा था कस्टमर नहीं है करके, हम तो 3 साल से इनके साथ है, 3 साल से, आज से नहीं है। तो हमने जो ना भाई माल परफॉर्म कर रहे, जो ये इनके चेहरे पे खुशी आप देख रहे हैं ना, ये माल हमारा कलाकारी नहीं है, जो माल ओरिजिनल आप डाल दिए तो गाड़ी में मजा आ जाना है। तो ठीक है सर, इतना आपने रिस्पॉन्स दिया आके, और इनको चूंकि हेडलाइट की सेटिंग करानी थी, देख सकते हैं हेडलाइट की सेटिंग, तो अभी इनको बुलाया था मैंने शाम के टाइम में, नाइट हो गई थी, और नाइट में ही सेट हो पाती है, डे में सेट नहीं हो पाती है, तो इनको शाम के टाइम में बुलाया था, तो वही आया तो मेरे को बताने लगा ऐसी ऐसी बात है यार, मैंने रिव्यू पहले नहीं लिया था, मैंने वीडियो को एंड कर दिया था, मैंने खुद जान के गड्ढों में डाली, एक भी आवाज नहीं, मतलब सब बंद हो गई सारी आवाज, चलो इतनी कच कच की आवाज आती थी, ऐसे से हिलती थी, वो भी सब खत्म। नहीं नहीं, हमने काम भी तरीके से किया है, इसीलिए तो हमका मजा आ गया चला के। काम भी हमने तरीके से किया सर। और क्लच में कैसा लगा? क्लच बहुत खुशी, मतलब बता, मैं खुशी नहीं कर सकता, गियर डालने में कुछ नहीं, सब मस्त। गियर डालने में तो खैर हमने चेक किया था, बढ़िया थी, पर कस्टमर का रिस्पॉन्स जो है वो भाई अलग होता है, कहीं से भी आओ, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि थोड़ा पैसा खर्चे, दूर से आओ, लेकिन आओ यहीं, कहीं ना जाओ। नहीं नहीं सर, ओवरलोड हो रहा है, अब आपको दिखा देते हैं वहां से गाड़ी, अब गिनते रहो, देखो पडली साइड से गाड़ी सारी, ये हमारी गैराज की गाड़ी है सब, इसका इधर देखो, ये सब इंजन किया इसका, वो देखो पीछे वो खुल रही है गाड़ी, अभी इधर लाइन से गाड़ी है, ये देखो पूरी डेंट पेंट करिए, स्विफ्ट बनाई एक नंबर का भाई, काम की तो बहुत ओवर लोड है, तो बिना कॉन्टेक्ट करे सर अभी मत आइए, लोड ओवर है, और क्या कह सकते हैं। तो क्या यार, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।